हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटी हेयर स्टाइल है सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयर स्टाइल है ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटी हेयर स्टाइल है सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडियन ब्राइडल हेयर स्टाइल 2019। दोस्तों, आप में से किसी एक फॉलोवर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट करी हुई, ये पिक्चर्स मेरे को भेजी हुई थी कि इस टाइप की स्टाइलिंग आप बनाइए, काफ़ी डिमांडिंग होती है इस टाइप की ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको करनी है नीट एंड क्लीन ब्रोडाई, 8 ईयर पार्टीशन लेंगे एंड देन टॉप पार्ट से आपको एक छोटा सा सेक्शन लेना है, बैक डी सेक्शन कह सकते हैं आप इसको, एक छोटा सा सेक्शन लेना है इस तरीके से। बैक कॉम करना है रूट एरिया पे, ये देखिए इतना बैक कॉम होना चाहिए। देन ये नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ, सुप्रीम फ्रिम होल्ड करके आता है, 4 नंबर का इसका होल्ड पावर होता है। ये देखिए साइड से भी आपको एक सेक्शन लेना है, इसको भी हम बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे इस तरीके से। देखिए थोड़ा थिकर सेक्शन रखेंगे, रूट एरिया पे ही बैक कॉम करना है। देन स्प्रे, देन अदर साइड से भी सेम थिकनेस का सेक्शन लेंगे, इसको भी रूट एरिया पे आपको बैक कॉम करना है। ये देखिए जस्ट रूट एरिया पे आपको बैक कॉमिंग पहुंचानी है, देन स्प्रे करना है। ये बैक कॉम हम स्प्रे कर रहे हैं बिकॉज हमें टॉप एरिया पे लगानी है, राउंड स्टफिंग, लॉन्ग स्टफिंग लगानी है सॉरी, और इसको हम जो है लॉक करेंगे फॉर दुपट्टा सेटिंग के लिए। ये देखिए ये बैक कॉमिंग उसकी लॉकिंग में सपोर्ट करेगा, इसको हमने मॉस के लिया बैक हेयर के साथ में। देन हम चलेंगे फ्रंट की तरफ, फ्रंट से हम जो है ये देखिए ये लॉन्ग स्टफिंग है, इसको हम इस तरीके से इसको लगाएंगे टॉप एरिया पे फॉर दुपट्टा सेटिंग के लिए। ये देखिए ये लॉन्ग स्टफिंग है, ये जस्ट आपको पूरा क्राउन एरिया कवरेज करना है, दोनों तरफ की इक्वलनेस रखते हुए आपको सेट करना है। ये देखिए ये मांगटिका हम पहले सेट कर लेते हैं, स्टफिंग को लगाने से पहले सेंटर पार्टीशन पे आपने ये मांगटिका रखना है, प्लेसमेंट डिसाइड कर लीजिए जितना भी अप डाउन आपको रखना है। बॉबी पिन से इसको थ्रेड के ऊपर से क्रिस क्रॉस करके आपको लॉक करना है, थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके, देन इसको बॉबी पिन के चारों ओर आपको घुमा देना है। ये देखिए जस्ट रोल करके मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये मैं इस पर रोल अप कर रहा हूँ इस तरीके से। आप बॉबी पिन के चारों तरफ ये थ्रेड को आपको घुमा लेना है और इसको टाइट करके लॉक कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लॉक्ड होएगा। देन दोस्तों हम लेते हैं फ्रंट डी सेक्शन, या आपको एक सेक्शन लेना है इस तरीके से, थोड़ा थिक एंड थोड़ा ब्रॉड सेक्शन लेंगे आप, ऑलमोस्ट आपका क्राउन पार्ट जो कवर करे इतना थिक सेक्शन आपने लेना है। एंड इसको करेंगे हम बैक कॉम, जस्ट रूट एरिया से एंड टॉप एरिया तक आपको स्ट्रॉन्ग बैक कॉम करना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए बैक कॉम कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रही होगी, ये देखिए देन ऊपर तक आपको ये बैक कॉम करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैक कॉम। ये ओसिस प्लस वन का हेयर स्प्रे करेंगे आप ताकि ये ईजिली रिमूव हो पाए ये बैक कॉम। ये देखिए देन इसको आपने आगे रखना है, स्टफिंग को रोल करना है इस तरीके से एंड इसको जस्ट रोल्ड अप करते हुए जस्ट आपको टॉप एरिया पे ये देखिए इस तरीके से हम इसको लॉक करेंगे। बॉबी पिन से हम इसको टाइट करके लॉक करेंगे पहले सेंटर प्लेस पे, ये यहाँ पे हम इसको बॉबी पिन लगाएंगे, देन साइड कॉर्नर से भी लगाएंगे। पहले हम सेंटर पॉइंट ये देखिए इस तरीके से इसको ओपन करना है एंड सेंटर पॉइंट पे हम इसको लॉक करेंगे। ये देखिए अदर साइड से भी इसको टाइट करके लॉक कर लिया, देन साइड से भी हम इसको लॉक करेंगे। नीचे जो बैक कॉमिंग करी हुई है वहाँ से आपको सपोर्ट लेना है और स्टफिंग को नीचे लॉक कर लेना है, क्रिस क्रॉस करके भी आप लॉक कर सकते हो इसको ताकि ये स्टफिंग हिले ना। अदर साइड से भी इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, बॉबी पिन से इसको लॉक कर लेना है। नीचे से सपोर्ट ज़रूर लीजिएगा जो बैक कॉम आपने करी हुई है, एक बॉबी पिन का एक पार्ट बैक कॉमिंग में और एक पार्ट स्टफिंग को लॉक करेगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको जो है लॉक करेंगे, टॉप एरिया आपकी लॉन्ग स्टफिंग से जो है कवरेज आ जाना चाहिए, पूरा पफ की इक्वलनेस, पूरा राउंड में जैसे हम पफ बनाते हैं उसकी आपको कवरेज देनी है पूरी। देन साइड से हम सेक्शन लेते हैं, साइड सेक्शन थोड़ा थिक लेना है, थोड़ा ब्रॉड लेना है कि पीछे का सेक्शन कवरेज हो जाए। इसको भी रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे आप, थोड़ा स्ट्रांग बैक कॉम करना है रूट एरिया पर, बैक कॉमिंग पीछे पीछे रहनी चाहिए। स्प्रे करेंगे, बैक कॉमिंग का भी थोड़ा सा आपको इस तरीके से रखना है कि बैक कॉमिंग आगे ना आए। ये देखिए साइड पे इसको जस्ट आपको कॉम कर लेना है और उसी के पीछे आपको उसको लॉक कर लेना है, सीधे स्ट्रेट लेंगे सेक्शन को और पीछे आपको इसको बॉबी पिन से लॉक कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने बॉबी पिन लगा के लॉक कर लिया है टाइटली करके। देन अदर साइड से भी सेम टेक्निक से हम इसको लॉक करेंगे दोस्तों, अगेन साइड से आपको सेक्शन लेना है, हल्का सा डायगोनल सेक्शन आएगा,
इसको भी आपको बैक कॉम करना है रूट एरिया पे। ये देखिए जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, जस्ट ये देखिए इस तरीके से आपको बैक कॉम करना है। ये देखिए इस तरीके से अप से डाउन की तरफ सारा बैक कॉम रूट एरिया पे लाना है आपको। देन स्प्रे बैक कॉम पीछे पीछे रखना है, क्रॉस नहीं करना सेक्शन को, नहीं तो बैक कॉमिंग आगे भी चली जाएगी। ये देखिए इसको कॉम करेंगे, नीट करना है। अगर एक्स्ट्रा बैक कॉम हो रखी होगी तो आपको इसको थोड़ा फिनिशिंग देना पड़ेगा। इसको भी हम जस्ट बैकवर्ड ले जाएंगे, स्ट्रेट ले जाना है सेक्शन को बैकवर्ड की तरफ, और इसको भी हम जो है लॉक कर लेंगे बाय बॉबी पिन। हर एक सेक्शन को सेपरेट सेपरेट लॉक करेंगे हम जब आप स्टफिंग लगा रहे हों, और जब विदाउट स्टफिंग लगा रहे हों तो अब आप उसको सारे सेक्शन को एक साथ ग्रिप करके फिर लॉक कर सकते हो। ये देखिए साइड कॉर्नर्स बैलेंस कर लीजिए, कहीं से ज़्यादा बाहर ना आ रहा हो सेक्शन। अगेन टॉप पार्ट पे आपको एक और सेक्शन लेना है टॉप पार्ट की कवरेज के लिए। ये देखिए थोड़ा ब्रॉड सेक्शन लेंगे, इसको भी हमें बैक कॉम करना है। ये देखिए थोड़ा और ब्रॉड ले लेते हैं सेक्शन को, पीछे वाले सेक्शन कवरेज हो जाने चाहिए, इतना ब्रॉड आपने सेक्शन लेना है। बैक कॉम करेंगे अगेन, जस्ट रूट एरिया पे बैक कॉम करनी है ये देखिए, एंड स्प्रे करना है एंड देन बैकवर्ड की तरफ। अब सारे सेक्शन को, ये फिनिशिंग ब्रश है, इसको हम साइड साइड कॉर्नर से टॉप से सारी जगह से इसको नीट करेंगे। फिनिशिंग ब्रश से हम इसको फिनिशिंग देंगे, हल्का हल्का कॉम करेंगे बैकवर्ड की तरफ, फ्रिजी हेयर को बिठाएंगे दोस्तों। ये देखिए जस्ट इसको कॉम थ्रू करना है बैकवर्ड की तरफ, स्प्रे करेंगे एंड इसको अगेन नीट करेंगे। स्प्रे से आपके छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स बैठ जाएंगे दोस्तों। एंड देन इसको ये देखिए ये बैकवर्ड इस तरीके से इसको ट्विस्ट करेंगे हम, एक पॉइंट पे लॉक कर देंगे इसको बाय बॉबी पिन। ये देखिए अभी हमने सेक्शन क्लिप लगाई है, देन इसको हम बॉबी पिन से क्रिस क्रॉस करके जो है लॉक कर लेते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये पफ को क्रिएट करना है, इस तरीके से हम पफ को कंप्लीट करेंगे। नीट होना चाहिए पफ आपका, फिनिशिंग होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देन हम साइड पार्टीशन डिसाइड करते हैं लेफ्ट या राइट, जिधर भी हमें पार्टीशन रखना है क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग। इस तरीके से कुछ हम इसे लुक देने वाले हैं, वन साइडेड लुक। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से थोड़ा रफली आइडिया ले लें क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग कि ये लुक उस पर सूट कर रहा है या नहीं। ये देखिए थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ लुक आएगी इसकी। दोनों साइड पे हल्का सा थोड़ा हिट एंड ट्रायल करें एंड देन उसको बाद में जब आपको श्योर हो जाता है कि अच्छा लग रहा है देन आप उसको प्ले करेंगे। अगेन ये साइड से दिखा रहा हूँ, हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे, थोड़ा तिरछा सेक्शन, ये देखिए इस तरीके से। और इसको करना है हमें बैक कॉम, ये देखिए जस्ट रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे आप। बाउंस अगर आपको ज़्यादा चाहिए दोस्तों तो आप ज़्यादा बैक कॉम करेंगे, और थोड़ा कम चाहिए तो बैक कॉम थोड़ी कम रखेंगे। बैक कॉम करना है रूट एरिया पे, इसी तरीके से अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, इसको भी आपने बैक कॉम करना है रूट एरिया पे, स्प्रे करना है एंड देन सारे सेक्शन को पीछे की तरफ आपने फॉल करना है। देन इस सेक्शन की बारी, इसको आप नीट कर लीजिए, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स हैं उनको भी कॉम थ्रू कर लीजिए, पार्टिंग नीट कर लीजिए बिल्कुल आपकी साइड पार्टीशन जहाँ से आपको नीटली चाहिए, पार्टिंग को पहले नीट करके निकाल लें, सेपरेट कर लें जहाँ से भी आपने पार्टिंग रखनी हो। ये देखिए इस तरीके से इसको हेयर को हम टेंगल फ्री कर लेते हैं। ये देखिए अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है हमने, इस तरीके से इसको भी जस्ट रूट एरिया पे बैक कॉम करेंगे। ये देखिए अगेन जस्ट रूट एरिया पे बैक कॉम, देन स्प्रे एंड इसको पीछे हेयर के साथ में मर्ज कर देना है। देन दोस्तों इस सेक्शन को भी हम सेम टेक्निक से करेंगे, अगेन बैक कॉम रूट एरिया पे। ये देखिए अगर सेंटर पार्टीशन जैसा डिस्कनेक्ट है तो उसको आपको थोड़ा ज़्यादा बैक कॉम करना पड़ेगा। अगेन इसको बैकवर्ड की तरफ बैक कॉम एंड जस्ट सारे सेक्शन के साथ में हम इसको आपस में मर्ज कर लेंगे। कॉम थ्रू जो है बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ रहेगा विद बाउंस के साथ में। एंड देन दोस्तों हमें जो है इस पे ऊपर क्रिएट करनी है लेयर्स। ये ओसिस प्लस वन का हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर शाइनिंग के लिए और लाइट फ्रिज कंट्रोल के लिए, काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आता है, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखें एक बारी। शाइनिंग स्प्रे है ये, स्पार्कलर करके आता है, स्कॉस्कॉप ब्रांड का। अगेन इसको कॉम थ्रू किया बैकवर्ड की तरफ, ड्राई फ्रिजी हेयर है उनको भी आपने नीट करना है। अगर एक्स्ट्रा बैक कॉमिंग हुई है तो उसको आपने नीट करना है, क्लीन करना है बैकवर्ड की तरफ में।
वॉल्यूम हमें रिड्यूस नहीं करना, इसलिए हम इसको उठा के करेंगे थोड़ा सा सेक्शन को। एंड देन इसके ऊपर जो है दोस्तों, आप लोगों ने, आप चाहे तो लेयर्स बना सकते हो, नहीं तो आपने इसको सिंपल वे में ही देना है। ये देखिए स्प्रे किया इसको, एंड देन इसको हल्का सा डाउन पार्ट से आप लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे और लॉक कर लेंगे। ये देखिए इसको कॉम किया, बैकवर्ड की तरफ ले गए। ये देखिए जस्ट लाइट हैंड से आपने इसको कॉम थ्रू करना है। ड्राई फ्रीजी हेयर को आप बिठा दीजिए। ये देखिए फेस बैलेंस देख लीजिए, इक्वल हो फेस के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा आउट ऑफ फेस ना गया हो सेक्शन। फेस फ्रेमिंग के लिए सेक्शन छोड़ लेंगे, जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इससे थोड़ी सॉफ्ट लुक आती है, फेस कवरेज भी आती है और काफ़ी ये सुंदर लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्लाइंट को ज़रूर पूछे कि आपको कवरेज चाहिए या नहीं, या फ्लिक्स चाहिए या नहीं, देन तभी आप इसको छोड़ें। इसको ट्विस्ट किया बैक में, एंड इसको हम वहीं पे जो है बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे, जस्ट क्रिस एंड क्रॉस करके। ये सेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, बॉबी पिन से अच्छे से लॉक करें, बिकॉज ये क्लाइंट का फ्रंट वेरिएशन है, तो इसको टाइट करके लॉक करें। और पीछे जब आप पैटर्न बना रहे हो तो ये ख़राब ना हो। ये देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आएगा, थोड़ा बाउंस के साथ हम इसमें रखेंगे इसको। ये देखिए नीट करेंगे इसको, स्प्रे करना है, छोटे छोटे फ्लाई हेयर्स को बिठा देंगे हम। ये देखिए देन दोस्तों, अदर साइड से भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है। फ्रंट फेस फ्रेमिंग के लिए आप सेक्शन छोड़ेंगे, अदर साइड से भी डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया, अगेन बैक कॉम किया रूट एरिया पे, एंड इसको भी जैसे स्प्रे करना है, थोड़ा बाउंस क्रिएट करेंगे हम फेस के अकॉर्डिंग अदर साइड, क्योंकि वन साइडेड बाउंस अच्छा है, तो अदर साइड में भी हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको बैक कॉम करना है, एंड इसको भी जस्ट पीछे की तरफ ले जाएंगे फेस के अकॉर्डिंगली। थोड़ा हिट एंड ट्रायल करें, अपवर्ड्स थोड़ा ऊपर जाके इसको करें, और फॉल में भी इसको रख सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेट भी आप रख सकते हैं। ओसिस प्लस वन का स्प्रे किया, अगेन कॉम करना है, एंड इसको बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे। सॉफ्ट लुक क्रिएट करनी है हमें, बैलेंस करना है दोनों साइड की लुक को। ये देखिए हल्का सा बाउंस रखेंगे, एंड पीछे हम इसको जो है बॉबी पिन से लॉक कर लेंगे। जस्ट आपको क्रिस क्रॉस करके इसको लॉक करना है। क्रिस क्रॉस मीन्स आपको दो बॉबी पिन लगानी है, ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर लॉक करके लगानी है, ताकि ये सेक्शन लूज ना हो। ये देखिए फेस फ्रेमिंग के लिए हमने सेक्शन छोड़ लिए हैं विद मांग टिका सेटिंग के लिए। काफ़ी प्रिटी इसकी लुक आती है दोस्तों, काफ़ी फेस फ्रेम, काफ़ी बैलेंस इसकी लुक आती है। आफ्टर दुपट्टा सेटिंग के बाद में ब्राइडल का लुक जो है काफ़ी प्रिटी लगती है, काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों, बहुत सूट करता है ये स्टाइल, और काफ़ी ब्राइडल के फेस के ऊपर ये जाता है। ये देखिए पीछे से हमने क्या है, इसको बॉबी पिन से लॉक कर लिया है, सारी बॉबी पिन आपने क्रिस क्रॉस करके लगा ली है। देन रेस्ट ऑफ हेयर्स को, सारे हेयर्स को हम क्या करेंगे, बेस क्रिएट करेंगे। ये हमने डोनट के नेट ले लिए हैं, छोटे छोटे हमारे पास में कट पीसेस बने हुए हैं, तो इन्हीं को हमने ले लिया है। इसको पहले हम बीच में छोटा छोटा बैक कॉम करेंगे, ताकि हम इसके साथ में बेस को लॉक कर सके। ये देखिए छोटा छोटा बैक कॉम करना है इस तरीके से, देन ये डोनट का नेट रखा है, इसको जस्ट रोल्ड अप करना है, एंड बेस के साथ में जो पिंस हमने लॉकिंग करी हैं, उन पिंस के ऊपर हम इसको बॉबी पिन से जस्ट लॉक कर लेंगे। पिंस भी हाइड हो जाएंगे जो हमने पीछे लॉकिंग के लिए लगाई थी बेस के थ्रू। ये देखिए कॉर्नर से चारों तरफ से हम इसको बॉबी पिन से सिक्योर कर लेंगे, टाइट करके लॉक कर लेना है, बिकॉज ये बेस है और इसके ऊपर जो है हम, वैसे तो हम नीट बन दे रहे हैं, बिल्कुल प्लेन लुक आएगा विथ गजरा सेटिंग के साथ में, नीट लुक आएगी। तो चारों तरफ से आप इस बेस को जो है सिक्योर कर लें, कि ये बेस, क्योंकि इसके ऊपर बन आना है या और सेक्शन एड ऑन होंगे, तो ये बेस सॉलिड रहेगा तो आपका बन सॉलिड रहेगा। तो बेस आपको थोड़ा टाइटली करके लॉक करना है बाय बॉबी पिन के थ्री, जूड़ा पिन से नहीं करना दोस्तों, जूड़ा पिन गिर जाती हैं या लूज़ हो जाता है पैटर्न, तो जूड़ा पिन से नहीं करेंगे। इसको हमने तीन सेक्शन में डिवाइड करना है, साइड पार्ट, मिड पार्ट, दोनों लेफ्ट राइट एंड मिड पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, देन सबसे पहले आपको करना है साइड पार्ट, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, या टू पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ये ऊपर की तरफ इस तरीके से हम इसको देंगे, हल्का सा स्प्रेड करते हुए इसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। बैक कॉम करना है रूट एरिया पे, स्प्रे करेंगे और इसको जस्ट ऊपर की तरफ, देन अगेन दूसरा सेक्शन, इसको भी हमने बैक कॉम करना है, एंड इसको भी हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे किया एंड ऊपर की तरफ, देन दोनों सेक्शन को आपको एक साथ ले लेना है,
ये देखिए दोनों सेक्शन को आपको एक साथ ले लेना है इस तरीके से, एंड ऊपर की तरफ कॉम थ्रू करेंगे, नीट करते हुए स्प्रे करना है, एंड अगेन इसको नीट करेंगे। नीट बनाते हुए जस्ट इसको अपोजिट अदर साइड पे ले जाएंगे, बड़े आराम से आपने इसको कॉम थ्रू करना है, एंड अपोजिट साइड जो है हम इसको लॉक कर लेंगे बाय बॉबी पिन। ये देखिए इस तरीके से स्प्रे करना है, नीट करना है इसको, अदर साइड पे बॉबी पिन से टाइट कर लीजिएगा, टाइट करके ताकि ये लूज़ ना हो सेक्शन। इस तरीके से इसकी लुक आएगी। ये आपने बॉबी पिन लगा लिया है इस पर। देन रेस्ट ऑफ पार्ट को आपको जो है बेस के साथ में ही एडजस्ट कर लेना है, बेस में ही आपको इसको छुपा देना है। देन अदर साइड का सेक्शन इसको भी जस्ट हम बैक कॉम करेंगे, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये एक सेक्शन लिया हमने, फ्रंट भी चेक करते रहिएगा कि कहीं से कोई सेक्शन जो है डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है। अगेन आपको उस सेक्शन को कॉम करना है, या आप उस सेक्शन को बैक कॉम कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। ये हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं और जस्ट इसको बेस में जो है एडजस्ट कर रहे हैं। आपको बेसिकली इसको बेस में छुपा देना है ताकि ये दिखे ना, एंड इसको लॉक कर लेंगे हम बॉबी पिन से। देन साइड से दूसरा सेक्शन आएगा, इसको भी आपको हल्का सा बैक कॉम करना है रूट एरिया पे, बिकॉज बाउंस चाहिए यहाँ पे, थोड़ा बाउंस नहीं है तो हम इसको बाउंस क्रिएट करेंगे। एक सेक्शन लेंगे हम, बैक कॉम करेंगे इसको, ये देखिए स्प्रे करना है इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से। देन अगेन दूसरा सेक्शन, इसको भी जस्ट बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे, और साइड की पिंस को हाइड करते हुए जस्ट ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। दोनों सेक्शन को एक साथ लेना है, सेम टेक्निक अगेन, इसको भी आपको कॉम थ्रू करना है ऊपर की तरफ, और इसको भी बैलेंस करेंगे, और जस्ट ये अपोजिट साइड ही ये भी लॉक्ड हो जाएगा। बड़ा केयरफुली आपको इसको लॉक करना है नीटनेस के साथ में, ड्राई फ्रिजी हेयर दिखने नहीं चाहिए। फ्रिजी हेयर जो फ्लाई हेयर्स आते हैं आपकी स्टाइलिंग में बार बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप उनको स्प्रे करके नीट करके बैलेंस कर लीजिए। जिस डायरेक्शन में आपका सेक्शन जा रहा है उसी डायरेक्शन में उनको लॉक कीजिए। अदर साइड में भी हम इसको जस्ट बॉबी पिन से लॉक कर रहे हैं इस तरीके से। बीच बीच में फाइन इनविजिबल पिंस भी आप लगा सकते हैं। देन ये लास्ट सेक्शन, इसको भी जस्ट बैक कॉम करना है रूट एरिया पे। ये देखिए बीच बीच में मैं जूड़ा पिन लगा रहा हूँ, या फाइन पिन आप लगा सकते हैं इनकी लॉकिंग के लिए। बैक कॉम अगेन इस सेक्शन पे भी, एंड लोअर पार्ट के सेक्शन पे भी हम बैक कॉम कर रहे हैं। बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो, और ये जो बेस है हमारा थोड़ा नीट लुक के साथ में पूरा राउंड शेप में आए। अगेन बैक कॉम किया है इसको, ये देखिए इस तरीके से। ये जो ड्राई फ्रिजी हेयर है या जो ब्रेकेज है उनको आप बेस के साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उस इसका स्प्रे किया ऊपर की तरफ, इसको कॉम करना है, और जस्ट इसको हम टॉप पार्ट पे लॉक करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड साइड से इसको स्प्रेड किया, ऊपर ले गए, जस्ट ऊपर की तरफ कॉम थ्रू करना है, नीट करना है इसको, ये देखिए। एंड देन टॉप पार्ट पे हम इसको जो है लॉक कर लेंगे, स्प्रे करना है। जो छोटे छोटे फ्लाई हेड्स आ रहे हैं उनको हम बिठा देंगे बाय कॉम के थ्रू, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। एंड ऊपर हमने ये स्टील की सेक्शन क्लिप लगा ली है फॉर होल्डिंग के लिए, ताकि हम इसको ईजिली कम्फर्टेबल होके इसको बॉबी पिन से लॉक कर सकते हैं इस तरीके से आप, ये देखिए। चाहे आपके पास में स्टील का सेक्शन क्लिप हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो फ्लाइट वाला, नहीं तो इस तरह की सेक्शन क्लिप आपके पास में तो और भी अच्छा है, इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। देन रेस्ट ऑफ सेक्शन को ये देखिए इस तरीके की लुक आएगी। रेस्ट ऑफ सेक्शन को आपको साइड में जो है कवरेज पे ले आना है, साइड में हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि साइड में हमारी गजरा सेटिंग आएगी तो ये सेक्शन जो है गजरे के नीचे जो है हाइट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे फिनिशिंग के साथ, नीटनेस के साथ दोस्तों। ये एजेस पार्ट है, इसको भी जस्ट हम रोल करते हैं जूड़ा पिन में और सीधे अंदर हाइड कर लेते हैं। सो, इस तरीके से इसकी लुक आनी है दोस्तों, ये देखिए।
बैलेंस कर लीजिए। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि पफ अप या डाउन है, यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको कमी लग रही है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। देन दोस्तों, फेस फ्रेमिंग के लिए हमने जो सेक्शन छोड़े हैं उनको भी हम कर्ल करेंगे। पहले हम इसमें गजरा सेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए गजरा, आर्टिफिशियल गजरा है ये, इसको बॉबी पिन में लॉक करना है इस तरीके से। एंड देन जस्ट इसको कॉर्नर कॉर्नर पे हम लॉक कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल गजरा है, आप चाहिए तो ओरिजिनल गजरा भी लगा सकते हो, इसी टाइप का ही आता है। ये देखिए इस तरीके से रोल एंड रोल करके इसको लगाएंगे एंड जस्ट बॉबी पिन से टाइट करके इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ की कवरेज देनी है आपने गजरा से। आप हैवी गजरा भी लगा सकते हो, ये तो मेरे पास में कम है, लेकिन चारों तरफ के कॉर्नर्स आपको गजरे से ही कवर करने हैं। आप और भी एक्स्ट्रा गजरा आप लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। अगर फ्रंट से दिखेगा हल्का हल्का तो फ्रंट से व्यू काफ़ी सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए देन ये फेस फ्रेमिंग के लिए आपने जो सेक्शन छोड़े हुए हैं इनको भी हम कर्ल कर लेंगे आउटवर्ड की तरफ। अगर ये सेक्शन स्ट्रेट अच्छे लगते हैं या इनकी लेंथ छोटी होती है दोस्तों, तो आपको इनको स्ट्रेट ही छोड़ देना है, या हल्का सा वही पैटर्न आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए अलग साइड से भी हमने इसने दूसरी साइड से भी सेम टेक्निक के थ्रू आपने इसको करना है। ये देखिए ये हो गए हमारे कर्ल, हल्का सा थोड़ा स्टिकी हो रहा था, मैं इसको कॉम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल इफ़ेक्ट में आए। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी लुक आनी है दोस्तों, ये है कुछ कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। देन दोस्तों हम इसमें पहनाते हैं एयरिंग। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसमें एयरिंग पहनानी है ब्राइड की। वैसे तो जो भी हेयर एक्सेसरीज होती है आपके पास में, या तो आपके पास में अवेलेबल होगी या ब्राइड लेके आएगी, तो इस तरीके से हम इसको एयरिंग पहना रहे हैं। आपके पास में मैनिक्योर है तो इस तरीके से आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हो, काफ़ी सुंदर लगती है, काइंड ऑफ ओरिजिनल लुक। ये देखिए ये ब्राइडल हो गई है रेडी अपने फंक्शन के लिए। ये डबल टेप है दोस्तों, इसे लगाना ना भूलें मांग टिका के नीचे, बिकॉज ऑफ सम टाइम क्या होता है आप भूल जाते हो और मांग टिका हिलता डुलता रहता है और कई बार वो साइड में पहुँच जाता है। ये देखिए जस्ट मांग टिका लगाना है, मांग टिके के नीचे आपको डबल टेप लगानी है और जस्ट इसको प्रेस करना है, ये माथे पे चिपक जाएगा, डबल साइडेड टेप होती है। ये देखिए अभी कहीं नहीं हिलेगा इतने हिलाने पे भी, एक जगह पे स्टक रहेगा, चिपका रहेगा। ये देखिए चाहे क्लाइंट अप डाउन कुछ भी हो, ये मैं हिला के दिखा रहा हूँ, लेकिन मांग टिका अपनी जगह से नहीं हिल रहा बिकॉज ऑफ डबल टेप से हमने इसको लॉक कर लिया है। सो दोस्तों ये है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आइकन बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों हम प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज भी कराते हैं, दिल्ली में एकेडमी है हमारा। अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड होते हो सीखने को तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक डिसलाइक जरूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट जरूर करें, रिएक्शन जरूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन जरूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।